हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यह सब्जी मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें एक चुटकी नमक डाल दें। इससे सरसों के तेल में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। ये मैंने 300 ग्राम भिंडी को अच्छे से धोकर इसे मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट किया हुआ है। भिंडी को हम शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह शैलो फ्राई करने से इसके ऊपर एक बढ़िया क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाती है और भिंडी की लेस भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। इस स्टेज पर हम भिंडी को प्लेट में निकाल लेंगे। सेम ऑयल में हम एक दो पिंच हींग डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हम भूनेंगे। जैसे ही प्याज हमारे सॉफ्ट होने लगे, हम इसमें ताज़ा ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। इस तरह ताज़ा ग्रेट करके डालने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। प्याज के साथ इन्हें भी हम पकाएंगे ताकि इनका भी कच्चापन चला जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं। इस स्टेज पर हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे। ये मैंने ग्रेटर के मोटे वाले साइड से टमाटर को ग्रेट किया हुआ है। आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे। एक दो मिनट टमाटर को प्याज के साथ ऐसे ही भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। पौना छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं। मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर पकाएंगे जिससे कि मसाला भी हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा और ऑयल भी लूज़ आउट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है और ऑयल भी लूज़ आउट होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें 3 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही को पहले अच्छे से फेंट लें, इसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके इसमें डालें। कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं। जब तक दही मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, हमने इसे कंटिन्यू चलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया मसाला हमारा रेडी है। दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है और ऑयल भी लूज़ आउट हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें अपनी भिंडी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। भिंडी तो फ्रेंड्स आप बनाते ही होंगे। एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके भिंडी की सब्जी जरूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। 1 से 2 मिनट मसालों के साथ भिंडी को ऐसे ही भून लेंगे। इसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आप देसी टमाटर का यूज़ कर रहे हैं तो अमचूर पाउडर ना डालें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है, ऑयल भी लूज़ आउट हो गया है। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और भिंडी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।